हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड के बेस्ट बुक की समरी, जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ, एक ऐसा टेक्निक लेके आया हूँ, जो अगर आप फॉलो करें आप अपने लाइफ में, तो जो कुछ भी आप चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टेक्निक है जो बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे एम्प्लॉई यूज़ किए हैं और उनसे बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में पाए हुए हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड एंड इस बुक के लेखक हैं जो सिल्वा। जो सिल्वा इस मेथड को यूज़ किए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा इस मेथड को यूज़ करने के लिए प्रेरित किया, जिनको बहुत सारे फ़ायदा मिला। दोस्तों, इसमें सिंपल टेक्निक दिया गया है, सिंपल मेथड दिया गया है। इस बुक का टोटल मैं 6 मेथड आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इसको आप अपने लाइफ में उतारते हैं, इसको आप यूज करते हैं, तो आप जो चाहे अपने लाइफ में पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइफ में होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, अगर हम उसको फॉलो करें, उसको हम यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें, तो आप जो चाहें वो अपने लाइफ में आप पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड होता क्या है। दोस्तों, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड ये होता है कि आप अपने लाइफ में अपने आप को कंट्रोल कर सकें, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकें, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकें कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है आपको, वो प्रॉपर आप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारे ब्रेन्स की डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसकी वेव्स होती हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो हमारे माइंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब आप जग रहे होते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेव प्रोड्यूस होते हैं, जब आप किसी चीज़ को लेकर गहरी सोच में पड़े हैं तो आपका माइंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स वेव रिलीज करता है। दोस्तों, अगर वो आपके माइंड को कंट्रोल करना आपको आ गया, अगर ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड आपको आ गया, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ गया, तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आप जो भी चाहते हैं आप अपने लाइफ में वो पा सकते हैं। तो आइए मेथड पे आते हैं। मेथड नंबर 1, मेडिटेट। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आपको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का सबसे पहला जो मेथड है वो मेडिटेशन है। अगर आपको मेडिटेशन आता है, अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अगर कुछ भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि हमारा माइंड में हजारों थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं और हमारा माइंड अननेसेसरी चीज़ों से उलझा हुआ होता है, उसको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है और कौन सा चीज़ों को वो सोच रहा है। दोस्तों, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन देने के लिए, सही सोच करने के लिए, सही प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए उसको शांत करना जरूरी है, उसको उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का यूज़ करना चाहते हैं, तो पहला मेथड ये है कि आपको रोज़ मेडिटेट करना पड़ेगा। दोस्तों, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड में मेडिटेशन का एक तरीका बताया गया है और वो तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और उसको उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं जिधर आपको अपने माइंड को ले जाना है। मेडिटेशन करने के लिए आपको शांत अवस्था में बैठ जाना है, नॉर्मल जैसे हम लोग मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं वैसे आपको बैठना है, आपके हाथ सीधा करना है, सीधे बैठना है, आपके रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको अपने आंखें बंद करनी हैं और आंखें बंद करके अपने आंखों को ऊपर की तरफ देखना है। आपकी आंखें बंद रहेगा लेकिन आपकी विजन ऊपर की तरफ 20 डिग्रीज में रहेंगी और फिर आपको काउंट करना है 100 से लेके 1 तक, और आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का जब भी आप काउंट करें आपकी एक काउंट से दूसरे काउंट पे 2 सेकंड का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 के बाद पहले 100 काउंट करना है, फिर 2 सेकंड वेट करना है, फिर आपको 99 काउंट करना है, फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है, फिर आपको 98 काउंट करना है, फिर आपको 2 सेकंड वेट करना है, फिर आपको 97 काउंट करना है। ऐसे आपको काउंट करके 1 तक आना है और ये आपको कंटिन्यूसली 10 दिन करना है। जब ऐसे आप करेंगे तो आपका दिमाग धीरे 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 शांत होने लगेगा और फिर आपका दिमाग कंट्रोल कर पाएंगे।
जब आप 10 दिन ऐसे करेंगे तो आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा, और जब भी आप ये काउंट कर लें तो फिर आप अपने आई ओपनिंग करने के लिए आपको 5 तक काउंट करना है, और वो 5 तक काउंट में भी आप 2-2 सेकंड के गैप दें, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, एंड फिर आप अपने आईज ओपन करें, और आईज ओपन करने के बाद आप अपने आप को बोलें कि मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, और ये सिल्वर टेक्निक मुझे और भी बेहतर कर रही है। मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं अपने लाइफ में पा सकता हूँ, जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरा माइंड इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा। दोस्तों बिलीव कीजिए, जब ऐसा मेडिटेट आप करेंगे आप अपने आप में डिफरेंस पाएंगे, आप खुद फील करेंगे कि कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और 10 दिन आपको 100 से लेके 1 तक काउंट करना है, 10 दिन के बाद आप फिर 50 से लेके 1 तक काउंट कीजिए, नेक्स्ट 5 डेज, फिर 5 डेज आपको 25 से लेके 1 तक काउंट करना है, फिर आपको 10 से लेके 1 तक काउंट करना है, और फिर आप महीने में 30 डेज बाद आपको ये पता चलेगा कि आप अपने माइंड को जब चाहें तब शांत कर सकते हैं, उसको मेडिटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ध्यान देना है कि जब भी आप मेडिटेट करें, ये टेक्निक आप यूज़ करें, इस टेक्निक यूज़ करने से आपको 100% कंट्रोल अपने माइंड पे हो जाएगा, और जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपने माइंड को जैसे चाहें वैसे काम करा सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारा जो माइंड होता है वो पूरा पावर हाउस होता है, उसकी ताकत को आपको अंदाजा नहीं है, और इनफैक्ट हम ह्यूमन बीइंग्स उसके अंदाजा अभी तक नहीं लगा पाए हैं। इसमें बहुत सारे रिसर्चेस अभी चल रही हैं कि हमारा माइंड कितना ताकतवर होता है। आप इसको जैसे यूज करेंगे, जैसे इसको आप अच्छा से यूज करेंगे, उतना ही आपको ये बेनिफिट देने वाला है। दोस्तों ये पावर हाउस को अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देता है, लेकिन अगर इसको आपको अच्छे से यूज करना नहीं आता तो ये आपको बर्बाद भी कर देता है। दोस्तों यही कारण है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो अमीर होते जाते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं, और बहुत लोग गरीब होते जाते हैं और दिन प्रतिदिन और भी गरीब होते जाते हैं, और वो पता नहीं उनके लाइफ में क्या होता है कि वो बहुत ही बदतर स्थिति में आ जाते हैं। दोस्तों सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो लोग अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। मेथड नंबर 2, मिरर ऑफ द माइंड। दोस्तों जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपको वो पल याद करना है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम से उभर के बाहर आए थे, उसको उस वक्त को आप यूज कीजिए, उस वक्त को आप याद कीजिए। सोचिए आपके लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पिछले वाले किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया था, और सॉल्व किया था तो जो आपकी खुशी आपके दिमाग में आई थी, वो पल को आप याद कीजिए, और ये ऐसा हमेशा करते रहिए। जब भी आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए, जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे आप और आपके अंदर वो खुशी आई थी, उस पल को आप याद कीजिए, और अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम मेरी आएगी उसको मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूँ। दोस्तों हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, अगर उसको हम प्रॉपर रास्ता देते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बताते हैं कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बिलीव कीजिए दोस्तों वो सॉल्यूशन हमें देगा, उसको सॉल्व करके देगा। लेकिन इससे आपको हदास नहीं होना है, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के लिए आपको हमेशा उन चीज़ों को याद करना है जो आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। जब आप ऐसा याद करेंगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने माइंड का कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका माइंड आपको खुद बोलेगा कि मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। मेथड नंबर 3, 3 फिंगर्स टेक्निक। दोस्तों लेखक बताते हैं कि हमारे लाइफ में एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अगर इसको आप यूज करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं जो आप भूल जाते हैं। लेखक बोलते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं या ऐसा चीज याद कर रहे हैं या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में हो रहा है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो आप अपने अंगूठा और फर्स्ट और सेकंड फिंगर को एक साथ रखें और अपने आप को बोलें कि जब भी मैं किसी चीज को याद करना
चाहता हूं तो ये मैं तीन उंगुलियों को जोड़ूंगा, और तीन उंगुलियों को मैं अगर जोड़ता हूं तो जो भी मेरे लाइफ में उस समय जो हो रहा होता है उसको मैं याद रख सकता हूं। और ऐसा अपने आप को यकीन आप दिलाइए। दोस्तों बिलीव कीजिए, जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये आदत बन जाएगी, और जब भी आप तीन उंगलियों को जोड़ेंगे और आपके लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा होगा वो आपके दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा जो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा आपको हमेशा याद दिलाना है कि दोस्तों ये एक दिन में होगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको दो हफ्ते लगे, चार हफ्ते लगे या महीने लगे, बट आपको जैसे ये टेक्निक आपको डेवलप हो जाएगी, जब भी आप कुछ याद रखना चाहते हैं, जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो रही है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ आप पढ़ रहे हैं जो आप कभी भूलना नहीं चाहते हैं, आप ये अपने तीनों उंगलियों को एक साथ जोड़िए और अपने आप को बोलिए कि ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये मैंने अपनी उंगलियों को जोड़ के रखा है। और वो आपके दिमाग में ऐसे रिकॉर्ड हो जाएंगी कि आप किसी भी हालत में उसको भूलेंगे नहीं। दोस्तों जब भी आपको वो याद करना होगा, आप अगेन वो तीन फिंगर्स को जोड़ेंगे, आपके आपको वो पटाख से याद आ जाएगा जो आपने याद किया था। मेथड नंबर 4, द पावर ऑफ 2। दोस्तों ये दो पावर ऐसी होती हैं कि अगर आप अपने लाइफ में यूज करते हैं तो जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। ये ऐसा पावर है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी समस्या में हो, आप उससे बाहर आ सकते हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, आप स्ट्रांग हो सकते हैं, आप किसी भी स्थिति में हो अपने आप को संभाल सकते हैं। और वो दो चीजें हैं दोस्तों, आपको अपने आप को रियलाइज दिलाना है, आपको अपने आप को बोलना है कि मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं इन प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकता हूं, मैंने इन प्रॉब्लम को बाहर आ रहा हूं, मेरे लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं। दोस्तों ये आपको रिपीट करना है, एक तो आपको बोलना है कि जब आप बोलें तो आपके कान में ये बात सुनाई दें, और सेकंड चीज आपको ये फील करना है। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। वैसे रेगुलर डेज में भी अगर आप ये दो टेक्निक आप सुबह, दोपहर में और शाम को आप यूज करते हैं, आप अपने लाइफ में हमेशा आप ये दो चीजें याद करते हैं, दो चीजें आप बोलते रहते हैं, आप फील करते रहते हैं, तो बिलीव कीजिए आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी हों तो वो भी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मेथड नंबर 5, माइंड कंट्रोल ओवर सिकनेस। दोस्तों अगर आप सिक हैं, अगर आप कुछ ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, कुछ भी बीमारी हो सकती है, तो अगर आप उससे ओवरकम करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा जो पावर टूल्स है वो हमारा माइंड है। दोस्तों दवाई के बाद हमारा जो माइंड है, तभी भी कोई भी दवाई तभी भी काम करता है जब हम अपने आप को, अपने माइंड को, या हम अपने माइंड को वो चीज़ों को बोलते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। तो अगर आप ये टेक्निक आप अपने लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। आपको बस अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं कल से आज बेहतर हूँ, मेरा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है, मैं बेहतर हो रहा हूँ। जैसे आप अपने माइंड को ये बोलते हैं दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता चलता है, और वो आपकी इंटरनल जो मैकेनिज्म है आपकी बॉडी की उसको स्ट्रांग करने में लग जाता है। वो मैसेज सारे सेल्स को देता है आपकी बॉडी की कि आप ठीक हो रहे हैं। तो एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो सारे बॉडी को, सारे सेल्स को, सबको ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि आप ठीक हो रहे होते हैं, और सारे सेल्स ठीक हो करते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत बार रिसर्च हुआ है, बहुत बार डॉक्टर्स ने ऐसे सलाह दी है पेशेंट्स को कि वो पॉजिटिव रहें, वो अपने आप को बोलें कि वो ठीक हो रहे हैं, और ऐसे करने से उनको बहुत फायदा हुआ है। तो दोस्तों ये टेक्निक हम लोग सिकनेस पे भी यूज कर सकते हैं। ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड जो है वो अगर आप यूज करें, ये टेक्निक आप यूज करें, तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल बीमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे, और भारी गंभीर बीमारी से भी आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों एक ऐसा रिसर्च किया गया है कि एक बार एक ही टाइप के जो पेशेंट्स थे उनको दो ग्रुप में रखा गया, दोनों को, एक को तो मेडिसिंस दे गई और दूसरे को नॉर्मल विटामिन्स की गोलियां दी गई। दोनों को यकीन दिलाया गया कि आप ठीक हो रहे हैं, और दोनों में से पता चला कि दोनों ठीक हो गए। दोस्तों जब ये डॉक्टर से पूछा गया कि दूसरों को तो मेडिसिन
दिया गया, ये तो ठीक है कि मेडिसिन ने उन पे असर किया और वो ठीक हो गए, बट जो दूसरा ग्रुप था उनमें तो आपने सिर्फ विटामिन की गोलियां दी, वो कैसे ठीक हो गए? तो डॉक्टर्स ने बोला कि उनको दिमाग में ये पता था कि उनकी जो मेडिसिन है वो उनकी बीमारी के लिए है, और वो अपने आप को हमेशा बोलते रहते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, और उनका माइंड, उनका जो माइंड का पावर है वो उनकी बॉडी की सारी बीमारियों को उनको हील कर दिया। तो दोस्तों, हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हिलनेस पावर होती है, उसको सिर्फ हमें जगाना है। कुछ भी हमारे दिमाग में है तो उसको हमें मैसेज सिर्फ पहुंचाना है। हमारे जो कुदरत ने बनाया है हमारी बॉडी को, वो फुल कंप्लीट बनाया है, कुछ भी बाहर की चीज़ें की जरूरत नहीं है इसको। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर ही डॉक्टर है, हमारे अंदर हीलिंग पावर है, बस उसको जगाना है आपको, आपको ये एहसास दिलाना है, आपको उसको मैसेज देना है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं। मेथड नंबर 6, ड्रीम कंट्रोल। दोस्तों, अगर आप सपने देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ सपने को आप सही यूज कर सकें, तो ये टेक्निक एक दिया गया है जो आप जरूर आजमाएं। इस टेक्निक में बताया गया है कि जब भी आप सोएं, आप पेपर पेंसिल लेके अपने पास सोएं। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप सोने से पहले अपने आप को बोलें कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरे आज रात ये सपना आएगा जिसमें मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये आप तब बोलें जब आप सोने के एकदम कगार पे हों, आप आधा स्लीपिंग मोड में हों और आधा आप जागने की स्थिति में हों, तब आप ये बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ये मैसेज जाएगा और फिर वो उस पर काम करेगा। और दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा, और जब आपको वो सपना आए, जब भी आप जगें, आप उसको, उस सपने को लिख लें जिससे आप समझ जाएं। दोस्तों, जब भी कुछ भी ऐसा आपका प्रॉब्लम्स का आंसर आपके सपने में आए तो आप उसको जरूर फॉलो करें, बिकॉज वो आपकी आत्मा होती है, वो आपकी आत्मा आपको करेक्ट बताती है कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये 6 टेक्निक आप जरूर यूज करेंगे अपने लाइफ में, और सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से आप अपने लाइफ चेंज कर पाएंगे। दोस्तों, अगर इस बुक से कोई भी आपको फायदा होता है तो हमें कमेंट बुक में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के लाइफ बन जाए। थैंक यू। सिल्वा माइंड कंट्रोल एक जबरदस्त टेक्निक हमारे दिमाग को प्रोग्राम करने की। मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक वीडियो पहले बनाया था। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करके थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में भेज सकें, तब आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें वो बन सकते हैं। अब देखते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो में बताई हुई सभी टेक्निक्स को एंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए मत देखना, बल्कि इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके जरूर देखना, क्योंकि ये टेक्निक आपके अंदर छुपी हुई हिडन एबिलिटी को बाहर निकालेगी। पहले जान लेते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल की हिस्ट्री क्या है। आखिर इस टेक्निक का नाम सिल्वा माइंड कंट्रोल ही क्यों पड़ा, किसने किया इसका आविष्कार? ईयर 1966 में टेक्सास के एक छोटे से शहर लारेडो में एक रेडियो रिपेयरमैन जिसका नाम था जोसे सिल्वा, जी हाँ, इन्होंने ही इस टेक्निक का आविष्कार किया था, और इन्हीं के नाम पर इस टेक्निक का नाम सिल्वा माइंड कंट्रोल पड़ा। सिल्वा को ह्यूमन माइंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो ह्यूमन ब्रेन की गुत्थी को समझने में काफी इंटरेस्टेड थे और वो हिप्नोसिस के बारे में भी काफी पैशनेट थे। जोसे सिल्वा दिन में अपनी रेडियो रिपेयरिंग का काम करते थे और रात को वो सिगमंड फ्रायड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर, इन सबकी किताबों को पढ़ते थे। बेसिकली वह एक इंजीनियर थे और वो एनर्जी के सिद्धांत को काफी अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे ब्रेन में भी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, सब कुछ एनर्जी तो ही है, सब इसी से चलता है, और फिर उन्होंने इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इनकी इस टेक्निक से उन्होंने पाया कि इस एक्सपेरिमेंट से माइंड के अल्फा लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। अब ये हमारे माइंड की अल्फा लेवल पोजीशन क्या है? देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, मतलब आप ध्यान में होते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन के अंदर की जो सिचुएशन होती है या जो भी कुछ हो रहा होता है हमारे दिमाग में,
उसी पोजीशन को अल्फा लेवल पोजीशन कहते हैं। तो इसी सिद्धांत से सिल्वा ने खोज निकाला कि कोई भी इंसान माइंड के इस अल्फा लेवल में कॉन्शियस होकर एक्सेस कर जाए और उसी समय वो जो चाहता है अपनी उस चाहत को अपने माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दे, यानी भेज दे, उससे वह इंसान अपने जीवन में वो सभी चीजें अस्तित्व में ला सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। इट इज सिंपल, वह अपने शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है, अपने सभी नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल सकता है, वो अपने डिप्रेशन को अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है। एंड बिलीव मी, ये मेथड काम भी करता है। विश्व के कई सारे जाने माने लोगों ने इस मेथड को अपनाया है और वो जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया है। अब वो चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो या आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम्स पर आप जीत पा सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने इस अल्फा माइंड कंट्रोल की टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने जीवन में वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहते थे, वो सफल हुए। तो चलिए उन सफल लोगों में से कुछ नाम आपको मैं गिना देता हूँ। सिल्वा ने रिचर्ड बैच को यह टेक्निक सिखाई, ये एक राइटर थे और इस टेक्निक को सीखने के बाद रिचर्ड बैच ने अपनी बुक जॉनथन लिविंगस्टोन को कंप्लीट किया और उनकी बुक छपते ही बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी। रसल बैकी डेन, ये एक बेसबॉल प्लेयर थे, उन्होंने ये 1975 में सिल्वा ट्रेनिंग को अटेंड किया था और 1978 में वो वर्ल्ड के फेमस बेसबॉल प्लेयर बन गए। उन्होंने बताया था सिल्वा माइंड कंट्रोल ने मुझे बेहतर कंसंट्रेशन और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, डिप्रेशन से कैसे बचना है, वो सब कुछ मुझे सिल्वा माइंड कंट्रोल ने सिखाया। अब इसमें साइंटिस्टों ने भी इसकी पुष्टि की कि ये सिल्वा माइंड कंट्रोल काम करता है। ऐसे ही दुनिया में इस मेथड को अप्लाई करने वाली लिस्ट काफी लंबी है। इस मेथड को कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जैसे जैक कैनफील्ड, बर्ट गोल्डमैन, डॉक्टर वेन डायर, शक्ति गाविन, एंड शी इज ऑथर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इन सब ने इस मेथड को यूज करके अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। अब देखते हैं सिल्वा मेथड वर्क कैसे करता है। बेसिकली सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के 5 मेन पिलर हैं। इसके आधार पर ये टेक्निक काम करती है, जिसमें फर्स्ट है अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग। अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग यह वो टेक्निक है जिसके जरिए आप कॉन्शियस रहकर अपने माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर अपने मन की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आप अपने विचलित मन को शांत कर सकते हैं। अल्फा लेवल में आप अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग के। अब ये शुरुआती तौर में अल्फा लेवल में जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जल्द से जल्द अल्फा लेवल में जा सकते हैं तो आप अपनी लाइफ बस यूं बदल सकते हैं। आप हर काम में फोकस करने में मास्टर हो जाओगे और ऑफ कोर्स जब आपका फोकस अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपको हर काम में अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकंड पिलर में आता है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। अब ये तो आप जानते ही होंगे, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारा समाज, हमारा घर, हमारे घर वाले, वो सब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ भर देते हैं। उसमें से ज्यादातर चीजें नेगेटिव प्रोग्रामिंग कहलाई जाती हैं, और इसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हम जो चाहते हैं वो कभी बन नहीं पाते, क्योंकि हमें बताया जाता है ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बस की नहीं है, ये सब कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। और इसी तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से अपने माइंड के नेगेटिव प्रोग्राम को बदलकर उसे अपग्रेड करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। और तीसरा पिलर है क्रिएटिव विजुलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विजुलाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है और हम कहते हैं कि भाई मैं तो चीजों को विजुलाइज कर रहा था लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिली। तो ऐसे में आपके विजुलाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो पूर्णतः काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपकी क्लियर विजुलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपकी विजुलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होगी तो मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। फोर्थ पिलर है डिजायर, बिलीव, एक्सपेक्टेंसी। हम सब लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत आखिर कहां से करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपका आपके गोल के प्रति स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर पावरफुल बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मुझसे ही होगा। और तीसरा जो बहुत खास है, एक्सपेक्टेंसी। आप जो भी कुछ काम करते हैं उस काम का रिजल्ट मिलने से पहले आपको ये बिलीव करना है, उम्मीद करनी है,
उसकी एक्सपेक्टेशन करनी है कि हाँ ये मुझे पहले ही मिल चुका है और उसमें जीना शुरू करना है। आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आप वो बन ही गए हो जो आप चाहते थे। एंड फिफ्थ पिलर, द सिल्वा लाइफस्टाइल। सिल्वा ने बहुत अच्छे से स्टडी किया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कई सारी वीडियोस में कि आपका डेली रूटीन बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी लाइफ में, आपके गोल पर। हालांकि सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज लगती है। डेली रूटीन में आपको सुबह जल्दी उठना और उसके बाद मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, और शाम को सोने से पहले आपको मेडिटेशन और अल्फा लेवल एक्सरसाइज करनी है। और हाँ, जैसा कि आप जानते हो, इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस एक्सरसाइज को 15-15 मिनट में डिवाइड कर देंगे तो भी आपके केवल 45 मिनट खर्च होते हैं पूरे दिन के। क्यों? सिंपल है ना। अब आपको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बारे में बेसिकली जानकारी तो हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करें कैसे। आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा आप अपना वॉलेट, मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीज कहीं रख देते हो और फिर भूल जाते हो और उसके बाद आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता कि वो चीज आपने कहाँ रखी है। और आजकल तो लोगों की मेमोरी कुछ सेकंड्स में ही लॉस हो जाती है। जैसे ऐसा होता है कि यार मैं कुछ करने वाला था अभी, बस अभी अभी मुझे ध्यान आया था कुछ करने के लिए, लेकिन क्या था वो, भूल जाते हो। क्यों है ना। और ऐसे में हम कहते हैं कि लग रहा है मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, मुझे अब कुछ याद नहीं रहता, मैं चीजों को भूलने लगा हूँ। तो सिंपल इज दैट ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी कोई याददाश्त कमजोर नहीं होती। लेकिन ये जो भी कुछ है आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, आपको अपने माइंड को अल्फा लेवल में लेकर जाना है। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई चीज भूल गए हो और अचानक से याद करनी है लेकिन वो याद नहीं आ रही है, तो आपको वही एक्टिविटी करनी है जो आप जब कर रहे थे जब आपको याद था कि आपको क्या करना है। यानी कि आप जानते थे कि मुझे ये करना है, अभी करना है, लेकिन आप भूल गए। इसे ऐसे समझते हैं जैसे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम जाते समय मुझे याद था कि मुझे अपनी नोटबुक अपने एक फ्रेंड को देनी है, लेकिन उसके बाद मैं अपने रूम में आया और मैं टीवी देखने लगा। फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार मुझे कुछ काम करना था, मुझे कुछ करना था, लेकिन वो क्या था मैं भूल रहा हूँ। वो चीज आपको याद नहीं आती तो आपको ये तो पता होगा कि वो कुछ ऐसा था जब मैं वॉशरूम गया था तब मुझे कुछ याद आया था मुझे कोई काम करना है, तो आप वापस से वॉशरूम जाइए। 90% चांसेस हैं कि आपको उसी जगह पर वो चीज याद आ जाएगी क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वहां पर अब भी मौजूद होंगी। दूसरा तरीका है आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा समय पीछे जाइए, जाइए एक घंटा पीछे आप क्या कर रहे थे उसको रिक्रिएट कीजिए। इस टाइमिंग को बढ़ाते जाइए, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, एक दिन, दो दिन। इससे आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प हो जाएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं, यही वो टेक्निक है जिससे आप अपने पिछले जन्मों में भी जा सकते हैं। एनीवे, वो मेथड थोड़ा सा टफ है। याद रखना, अपने माइंड से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, जो आ रहा है उसे आने दो, उसे सहज रूप से स्वीकार करो। क्योंकि असल बात तो यह है, आपके साथ हुई हर एक घटना, हर एक वो पल आपका दिमाग कभी भूलता ही नहीं है। वो सब कुछ आपके दिमाग की मेमोरी में, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। बस आपको जरूरत है उस बंद कमरे में जाने की जहाँ सब कुछ स्टोर होता है। हालांकि सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड में कुछ और भी टेक्निक हैं, लेकिन वो मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं लगती, उनमें मुझे कुछ कमियां नजर आती हैं। हाँ, बेसिकली हो सकता है वो कमियां सिर्फ मुझे ही नजर आती हूँ, बट बिलीव मी, वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर वीडियो का निचोड़ जो है, सिल्वा माइंड कंट्रोल जो है, आपको अपने दिमाग को बहुत शार्प करना है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो, उसी में जीना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हो, वैसा ही एक्ट कीजिए। मेमोरी को तेज करने के लिए मेडिटेशन करते समय एक एक करके अपने पास्ट में जाइए, क्रम वाइज, जैसे आधे घंटे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, उससे पहले मैं चाय पी रहा था, चाय में शुगर कम थी, डैडी एक न्यूज सुन रहे थे, उसकी कुछ बातें मेरे कानों में आ रही थी, वो बातें क्या थी, सोचिए उन बातों के बारे में, दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए उन बातों को, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। बस ओवरऑल लास्ट वाली ये चीजें फॉलो करोगे तो आप शॉर्ट में ही सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड को समझ जाओगे और ये मेथड, ये टेक्निक आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। पर शर्त ये है,
वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए ना देखी हो और नॉलेज के लिए ना देखी हो, बस आपको अप्लाई करना सीखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है तो ये कर देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। अगर ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस टेक्निक में कोई सच्चाई नहीं है, ये टेक्निक काम नहीं करती, तो इस टेक्निक को फॉलो कर साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।